तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। महोत्कट विनायक। महोत्कट विनायक। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। 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 ये किसका विचित्र नाम सुना हमने भ्राता? तुम्हारे काल का नाम है ये। ये समय आश्चर्य करने का नहीं, अपितु सावधान होने का है। नरान तक, देवान तक, क्योंकि तुम्हारा अंत निकट है। महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में तुम्हारी मृत्यु का कारण अवतरित हो चुका है, और उसका ही नाम है महोत्कट विनायक। तुम दोनों तो किसी भी विघ्न का सामना करने के लिए तत्पर देना। सर्वनाश तो हम करेंगे उसका जो विघ्न बनकर हमारे सामने आएगा। विघ्न किसी भी रूप में आया है, हम उसका सामना करने को तैयार हैं। तो अब विघ्नकर्ता विनायक का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे शासन में किसी भी प्रकार का विघ्न, किसी रोक टोक को सहन नहीं करेंगे हम। राता देवान तक। हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी भूल कर दी उसने जन्म लेकर। राता देवान तक, राता सुनिए। राता, राता श्री, शांत हो जाइए। भ्राता श्री, अत्यधिक क्रोध एवं उत्तेजना कोई ना कोई भूल अवश्य करवाती है, इसलिए शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? ये समय शांत होने का नहीं है भ्राता। जब काल बिना रोक टोक आपके शीश के ऊपर मंडरा रहा हो, वो समय उसको मिटाने का, उसको रोकने का होता है। शांत भ्राता श्री, शांत। मिटेगा भी और झुकेगा भी। जो हमारा काल बनकर हमें चुनौती देगा, उसका अंत तो अवश्य होगा। किंतु इस तुच्छ कार्य के लिए भला आपको जाने की क्या आवश्यकता? आपका तात्पर्य क्या है भ्राता? भ्राता श्री, अभी तो उस बालक के मात्र जन्म की घोषणा हुई है। एक छोटा सा बालक है। भ्राता श्री, जो श्वास हमारे विरुद्ध बहना आरंभ हुआ है, इसके लिए तो हमारे मायावी असुर ही पर्याप्त हैं, जिन्हें हमने देवताओं को ढूंढने का कार्य सौंपा है। उचित कह रहे हो भ्राता। हमारी कुदृष्टि जिस पर पड़ जाती है ना, उसका बुरा समय आरंभ हो जाता है। इससे तुम पर किसी की भी कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पुत्र। मेरे पुत्र को भूख लगी होगी, है ना? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाती हूँ, ठीक है? आज प्रथम बार माता अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाएंगी मुझे, तो अवश्य वो अत्यंत स्वादिष्ट होगा। माता, शीघ्रता कीजिए, आपके हाथों के भोजन की लालसा में मेरी भूख और बढ़ गई है। माता, इतने सारे पकवान एक साथ? हाँ हाँ, सब कुछ बनेगा। खीर, हलवा, शीरा, पूरी, मालपुए, लड्डू, चीकी, मेरे अन्य पुत्रों के प्रिय भोजन क्या है मुझे ज्ञात है, किंतु विनायक को क्या भाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए सब कुछ बनाना पड़ेगा।
गणेश, मेरा पुत्र। पुत्र गणेश, पुत्र नहीं आया। मैं क्या करूं स्वामी, पुत्र गणेश यहाँ नहीं है तो जैसे किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता, ना भोजन पकाने में और ना भोजन करने में। आपकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ प्रिय, पुत्र दूर गया है तो आपका मन कैसे लग सकता है। एक माँ के भीतर की शक्ति तो तभी आती है जब उसका पुत्र मीठे बोल से कहे कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भोजन दीजिए ना, माँ मेरी सहायता कीजिए। और कभी अपनी माँ के सामने बैठकर अपनी रूठी माँ को मनाए तो कभी स्वयं रूठकर अपनी माँ से लाड़ प्यार की आशा करे। किंतु आज स्वामी मेरे गणेश के बिना कितना सूना हो गया है हमारा कैलाश, सूना हो गया है हमारा कैलाश। बस माता, अब तो मैं भी शीघ्र अपना पूर्व में किया वचन निभाकर आपके पास लौट आना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ प्रभु, आगे बताइए ना। माता शीघ्रता कीजिए ना, बहुत भूख लगी है। ये कालकूट विष है जिसके सूंघने मात्र का परिणाम ही मृत्यु है। आहा, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। ये लो पुत्र, थोड़ा थोड़ा सब चख लो, फिर तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा ना वो बाद में तुम और ले लेना। खा लो, वैसे भी ये तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन होने जा रहा है। पुत्र ये चखो ना। अच्छा ये बताओ, इनमें से तुम्हें सबसे स्वादिष्ट कौन सा भोजन लगा, ये वाला या फिर वो जो पहले खाया था वो। माता मुझे तो प्रत्येक पकवान पिछले पकवान से अधिक स्वादिष्ट ही लग रहा है। तो फिर पुत्र इन सब के नाम ज्ञात कर लो तुम, तभी तो अपनी माँ को बता पाओगे ना कि तुम्हें कौन सा भोजन अधिक स्वादिष्ट लगा और क्या चाहिए तुम्हें। ये देखो, ये हलवा है और यह चूरमा और ये खीर और ये मालपुआ। पुत्र और खाओ ना, संकोच मत करो। चखो बालक, जो मैंने परोसा है वो भी चखो, फिर कुछ चखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये लो पुत्र, जल पियो। नहीं माता, अभी मुझे जल नहीं, लड्डू चाहिए। ये लो, खाओ। विरजा का बार खाली नहीं जा सकता, अब मैं इस पूरे भोजन पर विष छिड़क दूंगी, तब तो ये विषयुक्त भोजन तुम्हें खाना ही होगा। अद्भुत माता, इनका तो स्वाद सबसे उत्तम है, मुझे दो और दीजिए ना। और लो ना पुत्र, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है।
लो। माता देखिए ना, मेरा पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। मैं समझ गई पुत्र कि भोजन में तुम्हें सर्वाधिक प्रिय क्या है। ठहरो विनायक। सुनाओ, अपने मुख से सुनाओ हमारे काल पर जय का समाचार। हमारा आदेश नहीं सुना गुप्तचर? सूचना तो हमारे जय की, अन्यथा। क्षमा करे त्रिलोकाधिपति, सत्य कहूंगा तो भी संकट में आऊंगा और असत्य में भी। आपके भेजे सभी मायावी असुर काल के ग्रास बन गए हैं। प्रभु, महोत्कट विनायक का अंत सरल नहीं है। प्रभु और वो प्रभु वो नहीं, प्रभु हम हैं, त्रिलोकाधिपति देवांतक और नरांतक। त्रिलोकाधिपति, मुझ कंदर को आज्ञा दीजिए, अभी जाकर उस दुष्ट बालक के प्राण सोख लूंगा। नहीं कंदर, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए तो अभी एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे पास। हमारे पंचराक्षस किस दिन काम आएंगे? वो जाएंगे उस बालक का वध करने के लिए। पूर्ण विश्वास है मुझे, अवश्य सफल होंगे वो। पुत्रो, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम सभी इस अवसर पर उपस्थित हुए, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता, आज हमारे भ्राता विनायक का उपनयन संस्कार है, तो हम भला कैसे नहीं आते? और अब जब वो स्वयं यहाँ उपस्थित है, तो हमें उन दुष्टों नरांतक और देवांतक के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस अब हम पंच राक्षस यहीं तुम्हारा अंत करेंगे बालक। भिक्षा दीजिए माता। अपने वास्तविक रूप में हमें दर्शन देने की कृपा करें।
मेरी भेंट स्वीकार करो पुत्र। पंच राक्षस मारे गए, महोत्कट विनायक ने उनका भी वध कर दिया। दीवान तक भ्राता श्री, शांत शांत हो जाइए। हे प्रभु महोत्कट विनायक जी, हमारी सहायता करने की कृपा करें। हाँ प्रभु, हमें नरांतक एवं देवांतक रूपी दुष्टों से मुक्ति प्रदान कीजिए। चिंता मत कीजिए संदीप जी, बस आप विवाह की तैयारियां कीजिए, मैं इस विवाह में विघ्न नहीं आने दूंगा। राजभवन का द्वार कर गया। सैनिकों रुक जाओ, दुष्ट असुर आगे मत बढ़ो। जो मुझे रोकेगा वो नहीं बचेगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पुत्र के विवाह के स्थान पर युद्ध की तैयारी करनी होगी। अपने पुत्र के मंडप के स्थान पर उसकी चिता तैयार करनी होगी। पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। संस्कारी माता पिता के पुत्र होते हुए भी नरांतक और देवांतक अपने कर्म रूपी गागर को पाप और अधर्म से भर रहे हैं। ऐसे पापी और अधर्मियों का अंत ही उनकी नियति है, और उन्हें उनकी नियति से भेंट करवाना, उनका अंत करना, यही मेरे अवतार का उद्देश्य है। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। शीघ्र उन पापियों का अंत होगा, तब तो मेरे पुत्र का उद्देश्य संपन्न हो जाएगा। और तब जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगे।
मैं भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। अग्निदेव द्वारा नरांतक एवं देवांतक से मुक्ति दिलाने की विनती के कारण कदाचित माता व्यथित हैं, क्योंकि ये तो उन्हें भी ज्ञात है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात मेरे अवतार का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा और मुझे माता से विदा लेना पड़ेगा। देख पाने की कल्पना मात्र से मेरा मन डूबा जा रहा है। प्रणाम ऋषि। कल्याण हो राजन। कहिए राजन। ऋषिवर, मेरा यहां आने का एक विशेष कारण है। मैं आपको अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण देने आया हूं, पर उसका दुखद कारण यह है कि दो अधर्मी भ्राता इस शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। आप ऋषिवर, प्रजापति ऋषि कश्यप वहां उपस्थित होंगे तो हमें उन दोनों के आतंक से मुक्ति मिलेगी। आपकी उपस्थिति में कुछ अशुभ नहीं होगा और ये विवाह संस्कार बिना विघ्न के हो जाएगा। कौन है ये दो भ्राता काशी नरेश? नरांतक और देवांतक। इसलिए ऋषिवर, आपका वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मुझे उस आतंक से मुक्ति मिलेगी और इस विवाह का संपन्न होना संभव होगा। नरांतक एवं देवांतक का अंत करना ही मेरे इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है। हे राजन, यदि नरांतक और देवांतक आपके विघ्न बने हैं, तो आपको मेरी नहीं, मेरे पुत्र विनायक की आवश्यकता है। आप उसे अपने साथ ले जाइए। जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगी। ऋषिवर, वैसे तो आपके सुझाव पर संदेह करना उचित नहीं, किंतु विनायक तो मात्र बालक, वो नसुरों को कैसे रोक पाएंगे? विश्वास रखिए राजन, मेरे पुत्र का साथ आपका कुछ अशुभ नहीं होने देगा। आप निश्चिंत होकर इसे अपने साथ ले जाइए। विनायक, काशी नरेश को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है और कुछ समय की ही तो बात है। उनके पुत्र का विवाह संपन्न होते ही तुम लौट आना। पिता की आज्ञा तो पुत्र के लिए सर्वोपरि है, किंतु आपको भी ज्ञात है पिताश्री, नरांतक और देवांतक ही मेरे अवतार के उद्देश्य हैं। उनका वध हुआ तो फिर मैं यहाँ नहीं लौट सकूंगा, क्योंकि यही नियति है। उद्देश्य पूर्ण होने पर अवतार की अवधि भी समाप्त हो जाती है। किंतु पिताश्री, मैं माता से दूर नहीं जाना चाहता। उनसे बिछुड़ना, उसकी कल्पना मात्र मेरे लिए सहस्त्रों विषैले कंटकों के चुभन के समान है। मैं माता के आंचल की छाव नहीं खोना चाहता पिताश्री। अभी मुझे आए हुए समय ही कितना हुआ है, मेरी प्रतीक्षा में माता ने कितनी पीड़ा सहन की थी, तो अब बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए भला मैं कैसे जा सकता हूँ। Thank you.
अधर्मी और पापी कितने ही प्रयत्न क्यों ना करें, धर्म की शक्ति के समक्ष उनका विफल होना निश्चित है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।